खरगोन शहर के संजय नगर क्षेत्र में शनिवार सुबह एक युवक घर के समीप से गुजर रही विद्युत लाइन की चपेट में आकर घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। हादसे के बाद क्षेत्र में विद्युत तारों की ऊंचाई बढ़ाने के साथ ही शिफ्टिंग की मांग उठ रही है। मिली जानकारी अनुसार संजय नगर निवासी मोहसिन रफीक खान अपने घर पर साफ सफाई कर रहा था। इसी दौरान घर की छत पर बनी गैलरी से कूलर उतारते समय कूलर में करंट उतर आया और मोहसिन को जोरदार झटका लगा। बेहोशी की हालत में मोहसिन को जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल में पहुंचे पड़ोसी इरफान चिराग शाह ने बताया कि बस्ती में लाइन कम ऊंचाई से गुजर रही है, जिससे आए दिन हादसे का डर बना रहता है। लोग खतरे के नीचे जी रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग बेफिक्र है। कई बार शिकायती आवेदन देने के बाद भी मोहल्ले में अब तक विद्युत विभाग के कर्मचारी जायजा लेने तक भी नहीं पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। के ऊपर से भंगार फेंक रहे थे कूलर, तो जैसे तार बहुत नीचे है तो वो तार से टच हुआ, तो उसकी वजह से इसको अर्थिंग ने खींच लिया, तो ये नीचे गिरे वहां से, तो इसको वहां से डायरेक्ट हॉस्पिटल ले गए। छत पे से गया? हाँ नहीं, छत पे से थोड़ी करीब में है, एकदम याली जो रहती है नहीं अपनी, उसके करीब में। तो वो तारों को भी अपने को ऊंचे करवाना, हाँ लोहे का वो जो कूलर था वो कूलर फेंक रहे थे, तो कूलर से टच हुआ तो कूलर ने इसको भी खींच लिया साथ में। ऐसा ये घटना अभी की है, साढ़े दस बजे की, साढ़े दस ग्यारह बजे की घटना है। हाँ डॉक्टर ने देखा है, अभी इलाज चालू हो गया है। मेरा नाम इरफान। आपका कौन है? ये दोस्त है मेरा, पड़ोसी है। क्या क्या घटना हुई? ये घर के साफ सफाई कर रहे थे तो कुछ सामान फेंक रहे थे, तो तार थोड़े दूर हैं तो तारों ने पकड़ लिया, हाई लाइन है वहाँ। और कई बार आवेदन भी दे चुके विद्युत मंडल में कि तारों को हटाएं, आज हमारे घर में लगा है, पूरी बस्ती में साइड से तार गए थे, हेवी लाइन है। विद्युत मंडल को कई बार अवगत कराया है कि इसको दूर करें या इसको दूसरा रास्ता इसका ढूंढे। आज तो हमारा भाई है, कल और पड़ोस में भी है बच्चे, छतें बाहर है चिपकी हुई है तारों से। पहले भी ऐसी घटना हुई? हाँ पहले भी एक हुई है, एक की मृत्यु पहले भी हो चुकी है। क्या नाम है? मोहसिन भाई। आपका क्या नाम? चिराग शाह। आप कौन लगे? मैं पड़ोसी हूँ, एकदम करीब का दोस्त हूँ और घर के पास मेरे। अब क्या मांग करते हैं लाइन? यही कि इसका इलाज भी बेहतर हो और तार दूर हो विद्युत मंडल द्वारा। कई बार आवेदन दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। आवेदन दो, आठ दस आवेदन दे चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।